मुस्तफा जी, मेरा नाम फैसल मुश्ताक है। मैं आपसे क्वेश्चनिंग करना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर इमरान फारूक का मर्डर लंदन में हुआ, ठीक है, देन आप कैसे अल्ताफ़ भाई की लाइफ को वहाँ सिक्योर फील करते हैं? ठीक है, एक अवामी लीडर है, उसको अपनी अवाम से कोई डर नहीं होना चाहिए। हम तंग आए हुए हैं जरदारी से, उनको अवाम से डर है, आ जाए ना वापस। ठीक है, ये जो आप जो सुसाइड बॉम्बर्स के स्क्वाड घूम रहे हैं, इनको भी आप अवाम कहते हैं? सर उनकी आवाम की बात नहीं, उनकी बात नहीं है, लीडर की बात है ना, लीडर तो यहाँ पे होना चाहिए। सर हम नहीं चाहते, तो ना रह रहे हैं, हम नहीं चाहते। जो लोग वोट दे रहे हैं, जो लोग उनके लिए जाने दे रहे हैं, वो नहीं चाहते। आई मीन दैट्स नॉट हिज डिसीजन। हम चाहते हैं कि वो नहीं आए यहाँ पे बॉस, हम चाहते हैं। बेनजीर भुट्टो साहब आई थी ना पाकिस्तान, बचा लिया उनको आप? नहीं जी, बचा लिया, ये तो आप चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत बड़ा रिगार्ड है उनका, लेकिन जो है वो क्या आज वो है दुनिया में मौजूद? बचाना अलहदा बात है और आवाम की खिदमत अलहदा बात है। अगर वो इतना बड़ा लीडर है और आप इतने अच्छे लोग भी हैं, जैसे आप कह रहे हैं, हमारे भाई कमरान साहब भी कह रहे हैं कि आपने बहुत से काम किए हैं, तो कौन सी ऐसी खास वजह है कि वो 1992 से लंदन में बन बैठे हैं और कितनी अरसे से इसकी हुकूमत भी आ रही है? कौन सी ऐसी वजह थी जिससे जो है वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा 7 सालों तक एग्जाइल में रहीं, 8 सालों तक? कौन सी ऐसी वजह थी जिससे जो है वो, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब जो है वो एग्जाइल में रहे अपनी पूरी फैमिली के साथ? क्या बातें कर रहे हैं यार, हमें क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री पता नहीं? आप कहेंगे नहीं ठीक है लीडर को आके मर जाना चाहिए, भाई मैं नहीं कहता, मैं नहीं चाहता मेरा लीडर। आप इसको लंदन में रखते हैं तो क्यों आप इसको मौत से बचा नहीं बचा सकते मौत से? लेकिन सुनो ना फिर मेरी बात, तो फिर ये हम समुद्रों में क्यों नहीं कूद जाते जब हमें फिर ये पता हो कि भाई जो मौत बरहक है, तो समुद्र में कूद जाए फिर हम जो है वो हम फिर ट्रक हम ट्रेन के नीचे लेट जाए, मौत बरहक है, ये नहीं करो ना। सिर्फ पागल लोग बैठते हैं ना जिसका दिमाग काम न करे। अल्लाह ताला ने हमें शऊर दिया है, अकल दिया है, फिक्र दिया है, हमें अपना अकल शऊर और फिक्र को क्यों पर एकार नहीं लाना चाहते? हमें हम भी यही अकल शऊर सवाल कहां से लिखा हमें बताओ। इसी अकल और शऊर की वजह से, इसी अकल और शऊर की वजह से जो लाखों लोग MQM के चाहने वाले हैं, वोट दे रहे हैं 27 सालों से, इसी अकल और शऊर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उस अकल शऊर की मुनासबत से हमने अल्ताफ भाई को लंदन में रखा हुआ है और हम समझते हैं कि उनकी जिंदगी ज्यादा सिक्योर है देन ठीक है। पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि MQM दहशतगर्द जमात है, आप कहते हैं नहीं है। अगर ये दहशतगर्द नहीं है तो फिर बेनजीर भुट्टो शहीद साहब ने, PMLN ने, आर्मी ने इनके खिलाफ ऑपरेशन क्यों किया? ऐसा कौन सी वजह थी जो उसने ऑपरेशन किया? जवाब उसका दे चुके हैं आपने, इसका जवाब दे चुके। इसके अलावा कोई सवाल है? हाँ है, है। पूछो जल्दी से। एक मिनट आप कभी हुकूमत में आते हैं और कभी हुकूमत में जाते हैं, तकरीबन 3-4 दफा आप आते रहे, आप जाते रहे, इसकी क्या वजह है? और कोई सवाल है? हाँ है, पूछो। मैं जवाब से कहूँ, दूसरी बात है, तीसरा सवाल ये है कि लोग कहते हैं कराची के नाम से लोग डरते हैं, इतना बड़ा शहर, इतना यार एक मिनट साइलेंट, इतना आला किस्म का शहर जिसमें किसी चीज की कमी नहीं है, रोजाना 10-20 लोग टारगेट किलर होते हैं या मर जाते हैं, आखिर क्या वजह है? कौन लोग हैं जो उनको मरवाते हैं? क्यों ये इसका सवाल क्या करेंगे यार? एक बंदे और भी सवाल है? है क्यों नहीं है? बस। मैं बेसिकली खान हूँ भाई, हमारा मुस्तफ़ा कमाल साहब जैसे आपको अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि हमें ऐसे लोगों की जरूरत है। लेकिन ये आपको अच्छा लगना बड़ा खतरनाक बात है, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब ना जी कमरान साहब बातें से नहीं है, मैं समझ गया, हमें ऐसे ही लोग चाहिए। लेकिन इसका जवाब अच्छा, आपने कुछ मुख्तसर जवाब दे दें। देखें आप कह रहे हैं परसेप्शन की बात कर रहे हैं बस, और कुछ आप एक्चुअली आपने कहा कि जो है वो क्या सवाल थे आपके सारे, मैं आप जो जलसा था ना, 50 पख्तूनों को, बेगुनाह लोगों को कत्लेआम किया गया, ये कौन सी ऐसा वजह है? कौन थे साइलेंट यार, क्या ये कौन से लोग थे? कौन थे जो इतना बड़ा कत्लेआम किया और फिर कुछ नहीं बना आखिर में? पता ही नहीं चला ना किधर से लोग आए थे, मरवाने वाले कौन थे, मरने वाले कौन थे, क्या पता चलेगा? और चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस ने इसको सफाई का मौका क्यों दिया? ये जिम्मेदार बंदा है। अच्छा मैं आ गया, आपने कोई जवाब दे रहा है किस सवाल का? नहीं वो आप मैं किस कहाँ से आप एक सवाल का जवाब दे दें। आपने सवाल किया कि जी वो सबने मिलकर सबने ऑपरेशन क्यों किया है इसका आपने ये भी है आर्मी इसका जवाब दे दें आप। अब ये मैं आपको बता, अब ये आप पूछिए इन लोगों से, ये मेरे मुझसे बनता, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ
جس کور کمانڈر جنرل نصیر اختر نے آپریشن کیا وہ ٹی وی پہ آ کے بولتا ہے کہ سب کچھ جھوٹ تھا نمبر ون آپ پھر بھی ماننے کے لیے تیار ہوں نمبر ون بریگیڈیئر جو ہے وہ امتیاز بلہ اس وقت جو آئی بی ہیڈ تھے وہ کہتے ہیں سب کچھ فیک تھا سارا سطلا آپ پھر بھی نہیں مانتے ہو پھر پلس یہ کہ جن پارٹیز نے آپریشن کیا اس کا لیڈر جو ہے وہ 90 پہ کھڑے ہو کر معافی مانگ رہے ہیں آپ پھر بھی نہیں مانتے ہو اور جو ابھی تک نہیں گئے 90 وہ بھی جائیں گے کل اور کھڑے ہو کر جو ہے وہ کہیں گے کہ ہم سے غلطی ہو گئی میں آپ کو بتا رہا ہوں 1997 میں نواز شریف صاحب کی جب گورنمنٹ گئی ہے جب نواز شریف صاحب 93 میں چلی گئی تھی نواز شریف صاحب کا اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں مجبور ہو گیا تھا آپریشن کرنے کے لیے اور مجھے جو ہے وہ اپنی نہ ان کی کرسی بچی نہ وہ جو ہے وہ خود بچے اور نہ وہ آپریشن نہ وہ دو انہوں نے جا کر معافی مانگی ہاتھ جوڑ کر لندن جا کر معافی مانگی آن ریکارڈ ہے آن ریکارڈ ہے تو آپ مجھ سے پوچھتے ہو کہ آپریشن پھر یہ اب میں دوسری طرف اے این پی کے خلاف جو ہے وہ 70s میں کیوں ہوا تھا آپریشن ہاں کیا قصور تھا اے این پی کا کیوں جی ایم سید کو جو ہے وہ آدمی جس نے پاکستان کی تحریک سب سے پہلے سندھ اسمبلی میں پیش کی وہ غدار وطن کیسے ہو گیا مجیب جس نے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بنگالیوں نے جو ہے وہ میں ان کی بات نہیں کرتا میں آپ سے آپ کی پارٹی کے متعلق سوال کر رہا ہوں یہی تو بتا رہا ہوں آج بلوچستان میں آپریشن کیوں ہو رہا ہے آج انٹیلیکچوئلس کو کیوں مارا جا رہا ہے یہ تو میں سوال کرتا ہوں کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو یار ہم تو خود وکٹم ہیں آپ ایک ذمہ دار بندے بات کر رہے ہیں یار یہ تو میں